नमस्कार दिलोक सत्ता शो में आपनो स्वागत छे। पांच राज्यों में विधानसभा चूंटणी योजाई रही है। ये पहला एक पार्टी छोड़ी बीजी पार्टी में शामिल थनार नेता अभिनेता अने अन्य लोकोनी लाइन लागी छे। त्यारे हवे भारतीय जनता पार्टी ने राम मळी गया छे। जी हाँ, रामानंद सागरनी देशभर में लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण में रामनु पात्र भजवनार अभिनेता अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल थई गया छे। तमने जणावी दईए के आ पहेला पण एवी चर्चा चाली रही हती के अरुण गोविल राजनीति में एंट्री करी शके छे, परंतु हवे तेमने भारतीय जनता पार्टी में सभ्यपद लई लेता आ चर्चानो अंत आवी गयो छे। रिपोर्ट अनुसार तेमने दिल्ली में भाजपनी सदस्यता लीधी छे। आ दरमियान भाजपना राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हाजर रह्या हता। आ अंगे अरुण गोविलनुं शुं कहेवुं छे ते अंगे डिटेलमां वात करता पहेला, जो तमे अमारो आ वीडियो यूट्यूब पर जोई रह्या हो तो अमारी चेनल दिलोक सत्ताने सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबावानुं भूलता नहीं। जो तमे अमारो आ वीडियो फेसबुक पर जोई रह्या हो तो तेने लाइक फॉलो अने शेर जरूर करो। टूंक समय में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरल तथा पोंडिचेरी में विधानसभा की चूंटनी योजावानी छे। आ समय अरुण गोविल भाजपा जोड़ाया ते खास बात छे। जो कि पार्टी में अरुण गोविल की जवाबदारी शू हशे ते हजी स्पष्ट नहीं। अंदाज लगावामां आवी रह्यो छे के गोविल भाजपा सभ्यपद लीधा बाद विधानसभा चूंटनी पण लड़ी शके छे। जो कि आ अंगे पार्टीए के गोविले कोई निवेदन नहीं आप्युं। भाजपा शामिल थया बाद अरुण गोविल हवे पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचार करशे। साथे ज बंगाल में गोविल लगभग 100 जेटली सभाओ करशे तेवा अहेवालो पण सामे आवी रह्या छे। हवे वात करीए के भाजपा शामिल थया बाद अरुण गोविलनुं शुं कहेवुं ते अंगे। तो रिपोर्ट अनुसार अरुण गोविले कह्युं के आ समये जे अमारुं कर्तव्य छे ते करवुं जोईए। मने राजनीति आजथी पहेला समझ न हती आवती, परंतु मोदीजीए ज्यारथी देश संभाळ्यो छे त्यारथी देशनी परिभाषा ज बदलाई गई। मारा दिल दिमागमां जे थाय छे ते करी दउं छुं। अरुण गोविले वधुमां कह्युं के हवे हुं देश माटे योगदान आपवा मांगु छुं अने तेना माटे आपणे एक मंचनी जरूर छे अने भाजप आजे सौथी सारुं मंच छे। तेमणे वधुमां कह्युं के प्रथम वखत મેં જોયું કે મમતા બેનર્જીને જય શ્રી રામના નારાથી એલર્જી થઈ। જય શ્રી રામ માત્ર એક નારો નથી। તમને જણાવી દઈએ કે અરુણ ગોવિલને પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધી કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડાવવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ ત્યારે અભિનેતાએ ઓફરને ઠુકરાવી દીધી હતી। એકચ્યુઅલી અરુણ ગોવિલ પહેલા રામાયણ સિરિયલના બીજા કલાકાર પણ રાજનીતિમાં આવી ચૂક્યા છે। જી હા, રામાયણમાં સીતાની ભૂમિકા નિભાવનાર દીપિકા ચીખલિયા સિવાય હનુમાનની ભૂમિકા નિભાવનાર દારાસિંહ અને રાવણની ભૂમિકા નિભાવનાર અરવિંદ ત્રિવેદી પણ રાજનીતિમાં ઉતરી ચૂક્યા છે। દીપિકા ચીખલિયા ભાજપની ટિકિટ પર બે વખત ચૂંટણી પણ લડી ચૂક્યા છે। વિચારને ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।